हेलो भाइयों, इस वीडियो के अंदर अपने पर बात करेंगे जो आज के दिन यहाँ पर ईसीएस टीटेन पुर्तगाल का पहला मैच होगा जो खेला जाएगा गैम्बलर सीसी और पंजाब सीसी के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो जो है लास्ट तक वॉच करना है, आपको एक एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो भाइयों, ये जो मुकाबला है ना, स्टार्ट होगा यहाँ पर दोपहर में 2:30 बजे। मैच जो है सेम ग्राउंड पर खेला जाएगा जहां पर अब तक के सारे मैचेस खेले गए हैं, बस आपको करना नहीं कुछ नहीं है, जल्दी से जाकर आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट अपडेट जो भी आएंगे ना इसमें से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देखने को मिलेंगी। तो टेलीग्राम चैनल से आपको जरूर से ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि देखो इस सीरीज में आपको पता है अब तक बारिश ने भी बहुत इफेक्ट किया है, तो बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, मैच होगा या नहीं होगा, सारी जानकारी, उसके अलावा प्लेइंग 11, न्यू प्लेयर्स के स्टैट्स, फाइनल टीम, सब चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देखने को मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में भी, पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप बहुत ही आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होना जरूरी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट अपडेट सारी की सारी जो आएंगी ना वो टेलीग्राम चैनल पे ही आने वाली है। सबसे पहले बात करूं यहाँ पर पिच रिपोर्ट की, तो वही आपको पता है कि आर्टिफिशियल विकेट है, तो पिच के बिहेवियर में कोई ज्यादा चेंजेस यहाँ पर होंगे नहीं। 17 जो मैचेस हुए थे यहाँ पर, 6 जीते बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 6 मैचेस, 5 मैच यहाँ पर नो रिजल्ट रहे थे। 17 के आप 20 भी मान लो ना, तो आज के पूरे मैच यानी कि 8 मैच यहाँ पर नो रिजल्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखो कोई खास अब तक अपडेट रही नहीं है, और यहाँ पर देखो कि आर्टिफिशियल विकेट है, तो आपको कोई ज्यादा खास चेंजेस देखने को भी नहीं मिलेंगे। अब यहां पर अपन देखेंगे टीम्स के प्लेइंग 11 और उनका बैटिंग ऑर्डर क्या रहा था लास्ट मैच के अंदर। पहले बात करेंगे गैम्बलर सीसी की टीम की, तो इनकी जो टीम है इनकी तरफ से ओपन किया है कुलदीप घुलिया और मयंक दारजी ने, फिर आए यहां से अंकुश कुमार, अमनदीप खोखर, सागर कटारिया, जयप्रकाश, सचिन, मनदीप सैनी, नितिन कंबोज, रयान खान और यहां से देवेंद्र बेहला। तो ये इनके टीम का लास्ट मैच के अंदर प्लेइंग 11 था विद बैटिंग ऑर्डर। अब यहां पर इन सभी प्लेयर्स के इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ में अपन स्टैट्स भी देख लेंगे, जिससे अपन को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन से प्लेयर अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। तो इनकी टीम की बात करेंगे ना, तो लास्ट के जो 5 मैच जिनकी टीम ने खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, उतना खास इनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है। ओपन कौन करेगा? कुलदीप घोलिया और मयंक डारजी। कुलदीप घोलिया देखो 6 है, 28 है, 6 है, 33 है, 4 है, बहुत अच्छा प्लेयर है कुलदीप घोलिया, विकेट कीपिंग सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। मयंक डारजी देखो हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, पहले में 0, फिर 39, फिर 8, फिर 50, फिर 1, तो आप ये देखो एक मैच छोड़ के एक मैच में चल रहा है। अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तब तो आप ट्राई करने का सोच सकते हो, अदरवाइज कोई खास प्लेयर मेरे को लगता नहीं है। अंकुश कुमार सीबीसी की चॉइस वाला प्लेयर है, क्योंकि 1 डाउन बैटिंग प्लस 2 ओवर आपको बॉलिंग देगा। लास्ट के जो 5 मैच है वहां पर 7 विकेट है बल्ले से, यहाँ पर 31, 0, 18, 17 और 17, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस है इसका। अमनदीप खोखर, इसका मेन काम जो है ना बैटिंग है, लेकिन इसने एक मैच में बॉलिंग भी करवाई थी, और आपको इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि ग्रैंड लीग ही खेलना है। लास्ट के 5 मैच में एक मैच में बॉलिंग करवाई है, 2 विकेट है बल्ले से, यहाँ पर 0 है, 20 है, 17 है, 33 है और 13 है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। सागर कटारिया है, ये भी मेन काम इनका बैटिंग है, लेकिन बॉलिंग अभी करवा रहा है, पहले मैच में 6, फिर 9, 0 विकेट, फिर 7, 1 विकेट, फिर 19, नॉट आउट है। फिर आएंगे यहाँ से जयप्रकाश, डेथ के मेन बॉलर है, 5 मैच में आप देखोगे 5 विकेट है और बल्ले से यहाँ पर 33 और 0 है। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है गैम्बलर सीसी की टीम की तरफ से पहले 6 में से, वो है यहाँ से कुलदीप घोलिया है, मयंक डारजी को आप चाहो तो रख सकते हो, इसके अलावा अंकुश कुमार है, अमनदीप खोखर ठीक ठाक प्लेयर है क्योंकि बैटिंग से तो पॉइंट दे ही देगा, और जयप्रकाश भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो इनके जो पहले 6 प्लेयर है ना, इनमें से ये 5 प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो प्लेयर इनके प्लेइंग 11 के, उनकी बात करूं यहाँ पे, तो नंबर 7 पर आएंगे सचिन। सचिन के नाम अगर आप देखोगे तो 4 मैच में 4 ओवर डाल के 3 विकेट है, मतलब बॉलिंग करवाई है लेकिन कम करवाई है, सिर्फ एक मैच में पूरी बॉलिंग डाली इसने। मनदीप सैनी लगातार बॉलिंग करवा रहा है, 3 मैच में 5 ओवर डाल के 4 विकेट है, बल्ले से 8 और 7 है। नितिन कंबोज है, 2-2 ओवर आपको हर मैच में दे रहा है, 5 मैच में इसके नाम 3 विकेट है। रयान खान 2 मैच में 1 ही ओवर डाला है, कोई खास रिकॉर्ड इसका नहीं है। और देवेंद्र महला ने 3 मैच में 1 ओवर डाला है, इसका भी रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो देखो 5 प्लेयर अपन ने इनके पीछे से रखे, अब यहां पर कौन इंपॉर्टेंट है? एक तो मनदीप सैनी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा नितिन कंबोज इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बिल्कुल ही इनके फेवर में टीम बना रहे हो तो आप उस कंडीशन में सचिन के साथ जा सकते हो, अदरवाइज मैं अभी के लिए इनकी टीम की तरफ से 7 प्लेयर यहां पर आपको रखने की बोलूंगा। अब यहां पर देखेंगे इनके बेंच के प्लेयर्स के स्टेट्स, तो ये इनके बेंच के प्लेयर्स के स्टेट्स है, कोई भी अगर इनमें से खेलता है तो सारे प्लेयर्स के स्टेट्स मैंने दिए हुए हैं, आपको दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है। अब देख लेंगे इनके स्टार्टिंग डेथ ओवर्स कौन ने डालेंगे, ये कुछ और भी बेंच के प्लेयर्स के स्टेट्स हैं। लास्ट मैच में इनकी तरफ से अगर आप देखोगे पावर प्ले में बॉलिंग कराई नितिन कंबोज और सचिन ने, डेथ के अंदर कौन आता है?
जय प्रकाश डेथ में जरूर आते हैं और उनके साथ में डी महिला डेथ के अंदर बॉलिंग करवाने आए थे। तो ये तो बात हो चुकी है गैम्बलर सीसी की टीम की। अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि पंजाब सीसी की टीम की कि उनके टीम का लास्ट मैच के अंदर क्या पलिंगलेम रहा था और क्या इन्होंने बैटिंग ऑर्डर खिलाया था। लास्ट मैच में ओपन किया था परवीन सिंह और राव इमरान ने, फिर आए यहाँ से राणा सरवार, अदनान अली, सिमरनजीत सिंह, एहताज अरशाद, साकिब यूनिस, गुरजीत सिंह, फैजल मुश्ताक, मोहम्मद उमर और शाद अली। तो ये इनकी टीम का लास्ट मैच के अंदर प्लेइंग 11 था विद बैटिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर इन सभी प्लेयर्स के इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ में अपन स्टैट्स भी यहाँ पर देख लेंगे। लास्ट की जो इनकी टीम ने मैचेस खेले ना चार, उसमें से दो जीते हैं दो हारे हैं। ओपन कौन कर रहा है? परवीन सिंह और राव इमरान। परवीन सिंह देखो अच्छा ऑलराउंडर प्लेयर है, पहले मैच में चला नहीं था, 5 रन 0 विकेट, लेकिन मैंने बोला था आप इसको बैक करना और दूसरे मैच में बंदे ने 18 रन भी किए और 2 विकेट निकाले, बहुत अच्छा प्लेयर है ये राव इमरान है। पहले मैच 37 0 विकेट, फिर 25, फिर 4, फिर 0 है, बैटिंग कर सकता है अच्छी खासी। राणा सरवार जो है आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी देगा, 4 मैच में 4 तो विकेट है और बल्ले से अगर आप देखोगे 76 नॉट आउट 15 4 और 20 है। अदनान अली है ये भी बहुत अच्छा प्लेयर है, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग कर सकता है, 4 मैच में 5 ओवर डाल के 1 विकेट है, बल्ले से 10 19 18 और 10 नॉट आउट है। फिर आएंगे ऐसे सिमरनजीत सिंह, बैटिंग करते हैं लेकिन थोड़ा नीचे आते हैं, 0 है 34 है 23 है और 0 है। एहताज अरशाद पहले ओपन कर रहा था, अभी नीचे खेल रहा है, 16 7 0 0 है। तो यहां से जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है ना वो ये चार प्लेयर है, परवीन सिंह, राव इमरान, यहाँ से राणा सरवार और अदनान अली। पहले 6 में से ये 4 प्लेयर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे हिसाब से आपके टीम में होने चाहिए। नेक्स्ट जो प्लेयर इनके प्लेइंग 11 की उनकी बात करूं तो साकिब यूनस है, 4 मैच में 1 ओवर डाला, विकेट कोई नहीं है, बल्ले से 1 13 1 है। गुरजीत सिंह है, यहाँ पर 3 मैच में 1 विकेट है, अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो आप गुरजीत सिंह को ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये आपको बॉलिंग जरूर देगा। फैजल मुश्ताक कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, मोहम्मद उमर है, 4 मैच में 1 विकेट है, ये भी इनका मेन बॉलर है, ध्यान रखना। शाद अली के नाम 3 मैच में 3 ओवर डाल के विकेट लेस है। तो अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है, अभी मैं इनका बॉलर नहीं रख रहा, अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो आप गुरजीत सिंह और यहाँ से मोहम्मद उमर को टीम में जरूर रख सकते हो और स्पेशली कुछ ग्रैंड लीग की टीम में तो आप इनको जरूर ट्राई करके चलना। अब देख लेंगे यहाँ पर इनके बेंच के प्लेयर्स और स्टार्टिंग डेथ ओवर्स। तो ये इनके बेंच के प्लेयर्स के स्टैट्स हैं। लास्ट मैच के अंदर अगर आप देखोगे पावर प्ले में बॉलिंग करवाई थी राणा सरवार, मोहम्मद उमर, डेथ में आए परवीन सिंह, अदनान अली और यहाँ से गुरजीत सिंह डेथ के अंदर बॉलिंग करवाने आए थे। तो एनालिसिस वाला जो पार्ट इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, अब चलेंगे डेमो टीम की तरफ। लेकिन उससे पहले ना टेलीग्राम चैनल से आपका ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन किया हुआ दिया हुआ है, तो जल्दी से जाकर आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है। अभी के लिए अगर आप देखोगे डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है कुलदीप गोलिया को रखा है, बैटिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर राव इमरान, मयंक दास जी, अमनदीप खोकर और यहाँ से मनदीप सैनी को रखा है, और ऑलराउंडर सेक्शन से अंकुश कुमार, अदनान अली, राणा सरवार को रखा है, बॉलिंग सेक्शन से नितिन कंबोज, जय प्रकाश, परवीन सिंह को रखा है, कैप्टन मेरे अंकुश कुमार, वॉइस कैप्टन राणा सरवार। लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।